नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज उपतानी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत में ग्लास लाइंड इक्विपमेंट के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर के बारे में। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं जेएमएमपी फोल्डर के बारे में, एक ऐसा शेयर जिसने पिछले एक साल में धड़ल्ले से परफॉर्मेंस दी। कहां एक टाइम पे ऑलमोस्ट 1600-1700 का ये शेयर ट्रेड कर रहा था, बढ़ते बढ़ते पिछले एक महीने पहले ये 6000 भी क्रॉस कर गया था। लेकिन उसके बाद एक ऐसी खबर आई जिसके चलते ये शेयर धड़ल्ले से नीचे भी गया। जी हाँ, वो थी ओएफएस की ऑफर फॉर सेल का। इन्होंने अपने शेयर्स के लिए एक ऑप्शन रख दिया था लोगों के प्रति, वहां जहां पे यही शेयर आपको ऑफर फॉर सेल के तहत ऑलमोस्ट 3500 के फ्लोर प्राइस में मिल रहा था। लेकिन इस ऑफर के तहत कुछ ऐसे सवाल जरूर आपके मन में आए होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो शेयर ऑलमोस्ट 6000 रुपए के अराउंड ट्रेड कर रहा था, उसके लिए जब कंपनी ने ऑफर फॉर सेल का सेगमेंट निकाला तो वो इतने कम प्राइस पे क्यों रखा, सबसे पहले तो ये। साथ ही साथ दूसरा सवाल आपके मन में ये जरूर आना चाहिए, अप्रैल 2018 के अराउंड ये कंपनी लिस्ट हुई थी, वहां जहां पे इसका प्रमोटर का होल्डिंग 75% हुआ करता था, मात्र 2.5 साल के अंदर अंदर ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि इनको लगा कि अब ऑफर फॉर सेल करके ऑलमोस्ट 28% तक प्रमोटर की शेयर होल्डिंग में गिरावट आ जाएगी। जिसके चलते आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे इन्हीं अहम मुद्दों के बारे में, जहां पे हम ये भी बात करेंगे कि क्या इस शेयर में अभी भी पोटेंशियल बाकी है, क्या वो लोग जो कि ऑलरेडी इसके अंदर ट्रैप्ड हो चुके हैं हेवी अमाउंट पे जिन्होंने बाइंग कर ली थी, आज की डेट में ऑलमोस्ट 40-45% अपने पीक से कम हो चुका है, क्या उन्हें अभी भी अपना मोमेंटम जारी रखना चाहिए, अपनी होल्डिंग इसके अंदर इंटैक्ट रखें, या बाइंग स्ट्रैटेजी भी इसमें फॉलो की जा सकती है, कॉस्ट एवरेजिंग करना बेटर है, या अभी भी ये और नीचे जा सकता है, इन सारे मुद्दों के बारे में हम इस पर्टिकुलर वीडियो में आपसे बात करेंगे। तो उस वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बेल आइकन दबाने के साथ साथ ही, ताकि मैं जब भी अपनी अगली वीडियो लेकर आऊं आपके पास उसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। तो दोस्तों आज 12 अक्टूबर के दिन ये शेयर ऑलमोस्ट 3561 रुपए पे बंद हुआ है। बात करूं अगर डिलीवर्ड क्वांटिटी की दोस्तों, तो अभी भी इस शेयर में बहुत सारे लोगों का भरोसा इंटैक्ट है। पिछले 5 दिन की ऑलमोस्ट जो इसमें डिलीवर्ड ट्रेडेड क्वांटिटी देखी गई है वो ऑलमोस्ट 50% की है, तो ये काफी अच्छा एक अनुमान लगाया जा सकता है कि अभी भी इसके अंदर काफी लोग बुलिश हैं और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यस अभी भी इस शेयर में कुछ जान बाकी है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं उन चीजों की जो इस कंपनी के लिए वर्क नहीं करी, जिनकी वजह से ये शेयर जो ऑलमोस्ट 6000 का लेवल क्रॉस कर चुका था एक महीने पहले, वो धड़ाम से नीचे क्यों आया। सबसे पहले तो दोस्तों उसमें एक बहुत बड़ी वजह थी मेजर स्टेक सेलिंग की। 28% का स्टेक बहुत बड़ी चीज होती है किसी भी कंपनी के लिए, एंड वो और भी ज्यादा जायज हो जाती है तब की जब आपको पता रहे कि अभी लिस्टिंग हुए हुए एक पर्टिकुलर कंपनी को 2.5 साल भी नहीं हुए। तो ऐसा क्या वजह रहा कि जिसके चलते एक कंपनी को अपनी 75% की मेजर होल्डिंग से गिरावट लेके ऑलमोस्ट 47% पे आके प्रमोटर होल्डिंग रोकने का सोचना पड़ा। तो इससे डेफिनेटली इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस होता है वो शेक कर जाता है, विच वॉज वन ऑफ द रीजन। दूसरा, इस दौरान पिछले एक महीने में इनसाइडर्स ने बहुत भारी मात्रा में अपने स्टॉक्स को सेल आउट किया है। साथ ही साथ एक और जो बहुत बड़ा कंसर्न रहा है बहुत सारे एनालिस्ट का, जिसको लेके वो आज भी इस बात पे कंसर्न है कि क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, तो दोस्तों वो है इसका हाई पीई। अगर आप इंडस्ट्री की पीई से इसको कंपेयर करें तो जहां एक तरफ इंडस्ट्री का पीई 12.45 है, वहीं दूसरी ओर इस कंपनी का जो पीई है दैट इज एक्सट्रीमली ओवर वैल्यूड, 71 से भी ऊपर का इस टाइम इसका पीई इन कंपैरिजन टू द इंडस्ट्री पीई। और इसके अलावा जो चौथा बड़ा मेजर कंसर्न है वो ये कि लगातार पिछले 2 क्वार्टर्स से इनका कैश फ्लो फॉर ऑपरेशंस वो गिरता चला जा रहा है। किसी भी कंपनी के लिए कैश का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू एक्सपैंड देयर बिजनेस, बट यहां पे अगर वो चीज लैक कर रही थी तो उसी के चलते हो सकता है ये भी एक बहुत बड़ा कारण था कि इनको लगा कि भाई ऑफर फॉर सेल करेंगे तो कुछ पैसा कंपनी में आएगा जिसकी वजह से आप अपनी प्रोडक्शन के लेवल को बेटर आउट कर पाएंगे। अब समझते हैं दोस्तों ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से अभी भी लोग इसके अंदर बाय कर रहे हैं, डिलीवरी उठा रहे हैं, एंड व्हाट आर ऑल दोस फैक्टर्स व्हिच आर स्टिल वर्किंग फॉर जीएमएमपी फोल्डर। दोस्तों सबसे पहले इनका जो एंटरप्राइज वैल्यू टू एबिटा का जो मल्टीपल है, अगर आप उसके ऊपर गौर फरमाएंगे तो आप जान जाएंगे कि उसमें ट्रिमेंडस तरीके से ग्रोथ देखी गई है पिछले 5 सालों के अंदर अंदर। साथ ही साथ जो इनका 3 ईयर सीएजीआर सेल और प्रॉफिट्स का जो ग्रोथ रेशियोज है वो भी इस टाइम पे अपने पीक पे है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं इनके मार्जिन की, तो दोस्तों इन्होंने अपने पिछले 3 साल में मार्जिन, चाहे आप बात कर लो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की, चाहे आप बात करो ऑपरेटिंग मार्जिन की, चाहे आप बात कर लीजिए नेट प्रॉफिट की, ये लगातार इंप्रूव करते जा रहे हैं अपने मार्जिन को। उसी के साथ साथ जब ये सारी चीजें इतनी पॉजिटिव काम कर ही रही होती है तो ऐसे केस में रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन एसेट जैसे रिटर्न रेशियो मल्टीपल्स भी बहुत अच्छी तरीके से बखूबी बढ़ते चले जा रहे हैं। साथ ही साथ एक और जो अच्छी बात है इस कंपनी की वो ये कि इसका एसेट टर्नओवर रेशियो 100% से भी ज्यादा है। इसका सिंपल सा मतलब है कि ये लोग अपने एसेट्स को बहुत अच्छे से मैनेज करते हुए ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं अपने रिसोर्सेज का, जिसके चलते इनको बेस्ट से बेस्ट टर्नओवर का एक्सपेंशन मिल रहा है। और इसके अलावा ये उन चुनिंदा कंपनीज में से एक है जिनका डेट इक्विटी रेशियो
ऑलमोस्ट जीरो के आसपास ही है। तो दोस्तों जब इतनी बेहतरीन बातें आपको किसी भी कंपनी के बारे में पता चलेंगी कि यहां पे उनके रेशोज इतने परफेक्टली वर्क कर रहे हैं, तो डेफिनेटली लोगों का, इन्वेस्टर्स का भरोसा इसके अंदर होना अभी भी तय है। और यही एक वजह है कि जिसके चलते आज की डेट में भी इसमें ऑलमोस्ट अच्छे अमाउंट से डिलीवरी उठाई जा रही है, विद अ होप कि ये अभी भी पोटेंशियल रखता है ऑलमोस्ट 4000 से 4500 तक जाने का। बात आती है कि ये जाएगा कब, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, तो उसका एक सिंपल सा आपके लिए सॉल्यूशन ये रहेगा कि अगले नेक्स्ट 30 डेज, जब तक इसके Q2 के रिजल्ट्स नहीं आ जाते, तब तक ये शेयर ऑलमोस्ट इसी ही प्राइसिंग पे ट्रेड करेगा जिसमें ये पिछले ऑलमोस्ट 5 दिनों से कर रहा है। एक अच्छी बात जो देखी जा रही है वो ये कि अब इसमें डाउनफॉल बहुत ज्यादा नहीं आ रहा है, एक नॉर्मल स्टैटिक सी रेंज में ही इसका प्राइस पैटर्न फॉलो कर रहा है पिछले 5 दिनों, ऑलमोस्ट 3500 से लेकर 3700 के बीच में ही, और ये अभी भी फॉलो करेगा एटलीस्ट टिल द टाइम रिजल्ट्स कम आउट। ऐसे में बात आती है उन ट्रैप्ड इन्वेस्टर्स की जो कि अभी स्टक हो रखे हैं, जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई आगे मूव किस तरीके से किया जाए। दोस्तों तो मैं एक सिंपल सा आपको सजेशन यही दूंगा कि आपको इसे अभी होल्ड करना चाहिए। कंपनी बहुत अच्छी है, फंडामेंटली वर्क भी बहुत अच्छे से कर रहा है। अभी पिछले क्वार्टर के लिए अगर मैं रिजल्ट्स की भी बात करूं तो वो भी काफी अच्छे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो रिजल्ट्स खराब रहे हैं, काफी अच्छे रिजल्ट्स। टोटल इनकम इनकी 157 करोड़ की हुआ करती थी, जिसमें ऑलमोस्ट 19 करोड़ का इन्होंने नेट प्रॉफिट अचीव किया है। वहीं दूसरी ओर अगर मैं कंपेयर करूं इसके मार्च क्वार्टर से, मार्च 20 से, तो वहां पे जो इनका नेट प्रॉफिट रहा था वो महज 11 करोड़ रहा था। तो दोस्तों तरक्की तो कर रहे हैं लगातार, बस अब ये है कि आपको एक मोमेंटम में आके भी थोड़ा सा फ्लैट हो गया तो आपको निराश नहीं होने की जरूरत है, आप इसे होल्ड कीजिए और ये बहुत जल्दी आपको 4000-4500 की रेंज में काफी जल्दी आएगा। ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट वेट टिल द रिजल्ट्स कम आउट। क्वार्टर टू के रिजल्ट्स के ऊपर बहुत ज्यादा स्टेक पे रहेगा, बस आपको ध्यान रखना है तो सिर्फ इस बात का कि क्वार्टर टू के रिजल्ट्स में ये लोग अच्छा परफॉर्म करें। जो लोग अभी नए इन्वेस्टर्स हैं और इस पर्टिकुलर स्टॉक में अभी तक एंटर नहीं किया, उन लोगों के लिए मेरी रिकमेंडेशन रहेगी टू वेट फॉर सम टाइम, वॉच आउट कि इसके रिजल्ट्स किस तरीके से आगे कन्वर्ट होते हैं। वेट फॉर सम टाइम, अगर लेना भी है और चाहते हैं कि चांस लिया जा सकता है तो गो फॉर स्मॉल होल्डिंग्स, बहुत ज्यादा भी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हो सकता है अभी भी थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिल जाए। रिजल्ट आने दीजिए, रिजल्ट जिस तरीके से रहते हैं रखरखाव उसी हिसाब से मोमेंटम बनाइएगा और फिर डिसाइड कीजिएगा कि एंट्री करनी है या नहीं। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो GMMP फोल्डर शेयर के बारे में, उससे रिलेटेड स्टॉक एनालिसिस के लेके। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो बहुत पसंद आया हो, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ इससे जुड़ा अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, मैं तुरंत से तुरंत आपके सवाल का जवाब लेके हाजिर रहूंगा। मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब